नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये जरूरी नहीं होता कि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं, पर फिर भी हम उम्र भर एक ऐसी दुनिया की तलाश कर रहे होते हैं जो हमारी पसंद के मुताबिक हो। हमारे जन्म और सरनेम में हमारी पसंद या नापसंद का कोई विकल्प नहीं होता, वो नॉन नेगोशियबल है। लेकिन दोस्त हम अपनी पसंद का चुन सकते हैं, पर वहां भी ये डिस्क्लेमर नहीं होता कि चुना गया दोस्त दुश्मन भी बन सकता है। असल में हमारा मन अक्सर हमें छलता है, हमें पता ही नहीं चलता कब हमारी पसंद हमारी नापसंद बन जाती है, और यही हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स के प्रेफरेंसेस जब काबू से बाहर हो जाते हैं तो एक तूफान का रूप ले लेते हैं, जिनसे बचने के लिए कोई रेड अलर्ट जारी नहीं होता और मन का एक वहशी और विकृत उन्माद भारी तबाही का कारण बन जाता है। कहाँ मर गए थे? सेठ मर गए होते तो यहाँ पे कैसे आते? लेट है लेकिन जिंदा है। चल काम पे लग, चल। मान बहुत तेज चलती है इसकी। और मेरा ऑफर भूल गया क्या? क्यों खींचती रहती रोज रोज? मैं हेल्प करना चाहती हूँ। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। एटीट्यूड देख रहे हो लड़के का? लेकिन तू क्यों इसमें इतना इंटरेस्ट ले लिया? ओहो, बच्चे से भी जेलिसी। तुम मत हो यार। फिर से कर दिया नुकसान। हाँ बोल। सरविंद अभी तक स्कूल से नहीं आया। अरे आ जाएगा, तू चिंता मत कर। काहे चिंता ना करें, सुबह से गुड़िया भी नहीं दिखी है, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ? तू घबरा मत, वही कहीं होगी। तू उसे ढूंढ, हम आते हैं। अरे गुड़िया कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें? कहाँ हुआ बेटा? और सरविंद कहाँ है? आया नहीं स्कूल से अभी तक, कहाँ है? कहाँ हुआ? अम्मा सरविंद महीनों से स्कूल नहीं गया है। महीनों से स्कूल नहीं गया? अरे सुबह तो गया था ना स्कूल तैयार होकर के। अम्मा सरविंद बड़ा हो गया, हमारा गरीबी मिटाने के लिए मजदूरी करने लग गया। मजदूरी करने लग गया? कहाँ बोल रही है? कहाँ हुआ? सरविंद कहाँ है? वही तो हम पूछ रहे हैं। कह रही है स्कूल छोड़ करके मजदूरी करने लग गया है। कौन बोले तुमको? हम खुद देखे हैं अपनी आंखों से। कहाँ देखी? बोलती क्यों नहीं? सरविंद कहाँ है? कमला थोड़ी तसल्ली रखो। क्या तसल्ली रखे, सरविंद आया नहीं और गुड़िया फिर से चली गई। कहाँ चली गई? तुम रोके का ही नहीं उसे? चाय क्यों नहीं दी है तूने मुझे अभी तक? मैं बना ही रहा था, वो माने का ऑमलेट चाहिए। तो तूने मुझसे शादी की है? मेरी माँ से शादी की है? बस करो मेहनती। चल चाय बनाओ, नाश्ता बनाकर दे जल्दी। बना रहा हूँ यार, चार हाथ थोड़ी है मेरे। मुझे ऑफिस में लेट हो रहा है। तुम मत जाना ऑफिस, किसने बोला तुझे जाने को? अरे रे रे, आज इसकी ऑफिस की छुट्टी मत करा, आज तो तनख्वाह लाने का दिन है। जरूर जाओ मगर नाश्ता देने के बाद में, और जल्दी देना। हटो। आइए सर, एक रागिनी ने इस लड़की की लाश देखी और हमें कॉल किया। सर इसके पैर में कील गड़ी हुई है और खरोंचों के निशान भी है। हो सकता है
इस लड़की का रेप करने के बाद इसको किसने मार दिया हो। इस लड़की की पहचान पता करो और आसपास चेक करो, कुछ मिलता है। सर मैम मैम वो सैलरी इस महीने की हाफ मिली है। कभी टाइम पे आते हो तुम? मैम मैंने आपको आपको बताया कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, तो घर का काम भी सारा मुझे ही करना पड़ता है। तो मेड रख लो। तुम्हारा रोज रोज लेट आना ना मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। मैम वाइफ के इलाज में ऑलरेडी इतना खर्चा हो गया है, अभी मेड कैसे मैनेज करूँ? वैसे तुम्हारी वाइफ को बीमारी क्या है जो इतना खर्चा हो रहा है? क्यों झूठ बोलते हो यार तुम? सर समतानगर थाने में गुड़िया नाम की एक लड़की और उसके भाई सरविन की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। और गुड़िया का भाई सरविन? सर वो अभी तक लापता है, मैंने उनके पेरेंट्स को शिनाख्त के लिए बुलवा लिया। गुड़िया, गुड़िया, मेरी बच्ची। मेरी बेटी को किसने मारा और मेरे बेटा कहाँ है पता ही नहीं साहब। मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ला मेरे बच्चे मुझे वापस, मेरे बच्चे, ला मुझे वापस मेरे बच्चे। पानी पीजिए साहब। हम उनको बोलने दो। बोलिए आप बोलिए। हम भी वही बोलेंगे जो ये बोलेगी। बच्चे सिर्फ इसी के नहीं थे, हमारे भी थे और हमने कोई पाप नहीं किया ऐसा। एक बार हमारी लाचारी सुनी। कैसी लाचारी? साहब हमने मुकुंद से 5 लाख रुपए कर्जा लेकर पंजर की दुकान डाले थे, पर ब्याज भी नहीं चुका पा रहे थे। उस कमीने ने हमारे बेटे को फ्री में नौकरी पर रख लिया और उसे हमेशा धमकाता था कि 36 साल तक नौकरी करेगा तब जाकर हमारा कर्जा माफ होगा। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि उस मुकुंद ने तुम्हारे बेटे सरविंद को गायब किया और उसी ने तुम्हारी बेटी गुड़िया का मर्डर कर दिया। जी सर। हम घर नहीं जाएंगे, तुम चलो हमारे साथ। ए, ये क्या तमाशा लगा रखा, कहाँ लेके जा रही इसको? तुम बीच में मत बोलो, समझे? अब हम सच बोल रहे हैं, उस दिन के बाद सरविंद यहाँ पर काम पर नहीं आया। वो एक गरीब बच्चा था जिसको तूने बंधुआ मजदूर बना के रखा था ना? नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम जानते थे कि वो मनोज आपसे ऐसी कहानी कहेगा। उसने तो कहा था कि 4 लाख रुपए में हमेशा के लिए उसको बंधुआ रख ले। लेकिन लेकिन साहब हम हर रोज उसको खर्चा देते थे, तनख्वाह देते थे उसको। साहब वो मनोज बहुत कमीना आदमी है, उसकी बातों में मत आइए, हम सच कह रहे हैं आपसे। कमीना तू है या वो है, थाने चल के देखते हैं। साहब हम सच बोल रहे हैं साहब। तुम्हारा बेटा सरविंद 12 तारीख को गायब हुआ था और समतानगर पुलिस स्टेशन में तुमने सरविंद और गुड़िया के गायब होने की 14 तारीख को रिपोर्ट करवाई थी। साहब मेरा बेटा और बेटी दोनों लापता है साहब। हाँ आप घबराइए मत, आराम से पूरी बात बताइए। तो 2 दिन तक क्या कर रहे थे, मर्डर होने का वेट कर रहे थे? साहब ऐसा मत बोलिए, दरअसल बात यह है कि सरविंद 12 तारीख को गायब जरूर हुआ था लेकिन खोया नहीं था। खोया नहीं था तो फिर कहाँ था? वो गुड़िया जानती थी लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। नहीं बताएंगे, अगर बता देंगे तो फिर से आप उसे नौकरी पर लगा देंगे। तो तुम कह रहे हो कि 12 तारीख को वाकई में मुकुंद की स्टॉल से गुड़िया अपने भाई सरविंद को ले गई, लेकिन कहाँ लेकर गई ये नहीं बताया उसने। जी साहब, और फिर वो भी गायब हो गई। हमें लगा कि वो सरविंद को वापस लेकर आएगी पर हमें नहीं पता था कि उसका लाश हमें मिलेगा। फिलहाल आप जाइए, जरूरत पड़ी तो हम दोबारा बात करेंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, आए दिन गटर जाम हो जाता है, इस बार सफाई अच्छे से करना। इनका तो यही काम है, ढंग से काम करते ही नहीं है। सर आप लोग हटिए, सामने से हटिए।
सर देख के लगता है कि ह्यूमन बोन्स एंड ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है। नीरज सर, इनका कहना है कि सीवर की सफाई के दौरान ये सब कुछ होगा। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने ढक्कन खोलकर ये सब गुदम कर दिया। पॉसिबल है सर। यहाँ आसपास पूछताछ करो और यहाँ के जितने भी सीसीटीवी है सब स्कैन करो। सर सर कई दिनों से सीवेज बार बार जाम हो रहा था, आज जब सफाई करवाई तो ये सब निकला। सर हम खुद हैरान है कि ये सब कहाँ से बहकर आ गए। बहकर आ गए, आप कैसे कह सकते हैं कि ये कहीं से बहकर आए। मैं तो ऐसे अंदाजा लगा रहा हूँ, पर हम खुद हैरान है ये सब देखकर। क्या रात भर में टन टन करता रहता है, थकता नहीं है क्या? वो मैं बस आ रहा था। मैं भाग कहाँ रहा है? हाथ छोड़िए। बात सुन ले मेरी, कान खोलकर। आज के बाद अगर उस बुढ़िया के पास भी गया ना, जान से मार दूंगी तुझे। कैसी माँ हो तुम, मेरे ही पति पर डोरे डाल रही हो। तुमने पहले वाले के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था तो क्या इसको भी पहले वाले पति की तरह से मार देगी? देखो तुम ज्यादा तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर मैंने बता दिया कि पहले वाले पति को तू नहीं मारा है तो सीधी जेल जाएगी। माना कि हमसे गलती हुआ, पर हम भी बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि तुम। हम भी भरोसा रख, गुड़िया तो चली गई पर सरविंद को हम ढूंढ के लाएंगे। ढूंढ के लाओगे या किसी को बेच दिए? सर हमें जहाँ बॉडी पार्ट्स मिले वहाँ के सीसीटीवी खंगाले हमने, लेकिन पिछले 15 दिनों की फुटेज में ऐसी कोई फुटेज नहीं मिली जिसमें कोई आदमी सीवर का ढक्कन उठा के उसमें बॉडी पार्ट्स डाल रहा हो। शायद 15 दिन पहले ऐसा हुआ हो। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मर्डर कितने समय पहले हुए। सर मैं जल्दी रिपोर्ट मंगवाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है ये बॉडी पार्ट्स ड्रेनेज से बहकर उस सीवर में आ गया। उस सीवर का ब्लूप्रिंट निकलवाओ ताकि ये पता चल सके कि उस बिल्डिंग के अलावा और कहाँ कहाँ से वेस्ट मटेरियल उस सीवर में आता है। और ये भी पता करो कि पिछले कुछ समय से उस एरिया में कोई गायब है क्या। ओके सर। सर मुकुंद के फूड स्टॉल के पास की सीसीटीवी फुटेज आ गई है 12 तारीख की, उसमें सरविंद और गुड़िया साथ नजर आ रहे हैं, साथ में एक लड़का भी है। देखो लड़के का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है, पता करो कौन हो सकता है। सर साहब समझ नहीं आ रहा, जी कहीं चेतन तो नहीं? इसका कदकाठी उसी के जैसा लग रहा है। कौन चेतन? गुड मॉर्निंग चेतन, तुमको समझ नहीं आता क्या? हमारे मुंह मत लगा करो। अरे का कमी हमें, अच्छा कमा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। चलोगे डेट पर? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्या? हमें तो समझ में आ रहा है पर तुम समझो। दीदी को छुआना इसी पत्थर से मार दूंगा। सब इसी लड़के के चक्कर में आकर हमें गुड़िया का स्कूल जाना बंद कराना पड़ा था। लेकिन तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? साहब बात बहुत पुरानी है, पर साहब आप इसे ढूंढिए, शायद सरविंद को इसी ने कहीं छुपा रखा। सर ये चेतन एक साल पहले भी टीजिंग के जुर्म में अंदर जा चुका है, लेकिन फिलहाल काफी टाइम से एरिया में दिखा नहीं है। लेकिन उस फुटेज को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का सरविंद और गुड़िया का दोस्त हो या फिर जानने वाला हो। लेकिन चेतन तो गुड़िया को छेड़ता था, फिर ये दोनों भाई बहन इस तरह से घुल मिल के कैसे बात कर सकते हैं? हो सकता है सर चेतन ने इन लोगों को कोई झांसा दिया हो। हाँ लेकिन सर वो स्टॉल वाला तो बोल रहा था कि गुड़िया और सरविंद के साथ फुटेज में दिखने वाला लड़का कोई दूसरा है। अब ऐसी कदकाठी और चाल ढाल वाला लड़का हमारे स्टॉल पर खाना खाने के लिए आता था, इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है साहब। नाम पता बोल इनका। नाम तो नहीं मालूम लेकिन हमारे स्टॉल के आसपास किसी ऑफिस में काम किया करते थे दोनों, और ये सरविंद को टिप भी दिया करते थे।
और एक दिन तो इन्होंने सर्वेंट को कुछ नया काम भी बताया था। तुझे यहाँ जितने पैसे मिलते हैं ना, उससे ज्यादा पैसे दिलवा सकती हूँ मैं तुझे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बोल करेगा ही काम। क्या काम बताया था इन्होंने सर्वेंट को? वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ बड़ा लालच दे रहे थे साहब उसको। सर, ये उस लड़का और लड़की का स्केच, पता करो ये दोनों क्या चीज है। हो सकता है सरविंद इन्हीं के झांसे में हो, और चेतन के बारे में भी पता करो। हमें डाउट है कि गुड़िया का रेप किया है उसने। सर, गुड़िया का रेप नहीं हुआ था, सॉरी मैं बताना भूल गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें रेप का कोई साइन मेंशन नहीं है, गला दबाकर उसकी हत्या की गई। क्या हुआ सोम, तुम अभी तक गए नहीं? नहीं मैम, बस जा ही रहा था। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो? तुम्हें सोम, तुम्हें फीवर है? नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, तुम बोलते कुछ और तुम्हारे अंदर कुछ और चल रहा होता है। एक फ्रेंड के नाते तुम मुझसे बातें शेयर कर सकते हो, बताओ क्या बात है? सर सर, जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हमें मिले थे उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। मतलब दो आदमियों का मर्डर करके धमकिया गया? जी सर, उनमें से एक टीनेजर बच्चा था। फॉरेंसिक टीम का अनुमान है कि उनमें से एक 12 से 16 साल का बच्चा था और दूसरा 25 से 30 साल का आदमी। 12 से 16 साल का बच्चा, टाइम का कुछ पता चला? सॉरी सर, बॉडी पार्ट्स काफी सड़ चुके थे तो यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि हत्या कब हुई थी। लेकिन मैंने आसपास की मिसिंग कंप्लेंट चेक की, सरविंद के अलावा उस एरिया से कोई भी टीनेजर बच्चा गायब नहीं हुआ सर। अगर इनमें से एक टीनेजर बच्चे के बॉडी पार्ट्स हैं तो हो सकता है वो सरविंद हो। हो सकता है सर, क्योंकि उसकी बहन गुड़िया की लाश भी वहां से दो। गुड़िया उस एरिया में अपने भाई सरविंद की तलाश में गई होगी। नीरज जी सर, जिस एरिया से हमें बॉडी पार्ट्स मिले थे उस एरिया में सभी लोगों से पूछताछ करो कि किसने इन दोनों भाई बहन को वहां पर देखा था क्या। सर, इस बच्चे को देखा है कभी यहाँ सोसाइटी में या सोसाइटी के आसपास? नहीं सर। आप में से किसी ने? नहीं सर। नहीं जी। जब इस बच्चे के अलावा एक 25 से 30 साल के आदमी का भी मर्डर हुआ है, आपकी नजर में कोई ऐसा आदमी है जो काफी समय से गायब हो? सर, एक कुणाल नाम का आदमी रहता था हमारी सोसाइटी में, वो काफी टाइम से गायब है। कहाँ रहता था वो? सर, उसका फ्लैट नंबर G901 है, वहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। और सर, शुरू से ही हमें उस औरत पे शक था, उसका आए दिन कुणाल से झगड़े होते रहते थे, और जब से कुणाल गायब हुआ है उसके यहाँ नए नए लड़के आ रहे हैं। जी मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु चिंदल, अंदर आ सकते हैं आप लोग? क्यों, बात करनी है आपसे कुछ? आप बोलिए ना, और जो भी बोलना है थोड़ा जल्दी बोलिए, मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस मीट होल्ड पर है। दरअसल हमें आपके पति कुणाल के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हम दोनों अलग हो चुके हैं, वो अब मेरे साथ नहीं रहता। तो कहाँ होगा वो? मुझे नहीं मालूम, मैं उसके टच में नहीं हूँ। और फैमिली उसकी? कानपुर का रहने वाला था। कानपुर में कहाँ का, एड्रेस दीजिए। एड्रेस मुझे पता नहीं, लेकिन सरोज नगर में कहीं रहता था। हाँ, लेकिन एक मिनट सर, इससे ज्यादा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी, मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस मीट होल्ड पर है। एक्सक्यूज़ मी। हाँ, इस औरत के पति कुणाल को आखिरी बार कब देखा था आपने? सर, करीब 4 महीने हो गए, बड़ा ही सीधा आदमी था। अरे कुणाल, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ? शर्मा जी, मेरी वाइफ का राज से पता नहीं चल रहा है। अच्छा, तुम कुणाल का नंबर तो होगा आपके पास? जी सर, लेकिन वो तो अभी बंद है। ठीक है, वो नंबर दीजिए आप हमें, नंबर ले लो इनसे। ठीक सर, मुझे वो औरत सही नहीं लगती, उसके घर का सर्च वारंट निकाले। ठीक है, इसी वर का ब्लूप्रिंट चेक किया मैंने, ये पास में जो मुक्ता कॉलोनी है वहाँ की ड्रेनेज भी इसी में आती है, वहाँ भी पता करो कि सरविंद को वहाँ पर किसने देखा है या कोई ऐसा जो गायब हो काफ़ी समय से। ओके सर, और सर मैंने सरविंद के पेरेंट्स का DNA करवाने को बोल दिया। अच्छा, मुकुंद ने जिन लड़का लड़की की बात की थी उनके बारे में कुछ पता चला? सर, एरिया के ऑफिसर्स में इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई अपडेट नहीं है, ना ही चेतन की। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। लेकिन अभी तो तू ऑफिस से आया था। अरे वो हमारी बॉस ने पूरे स्टाफ को पार्टी दी है, उनकी बेटी का बर्थडे ना आज, तो वहां मुझे परफॉर्म करना है। अच्छा, तो परफॉर्मेंस देनी है तुझे? हाँ। महंती,
आप करके दिखा पापा। तुम मुझे हर्ट करती हो चलता है। ये गिटार फेंक के तुमने अच्छा नहीं किया। ओह, तब तेरी जबान भी चलने लगी। कौन सिखा रहा है तुझे ये सब? वो तेरी बॉस ना, जिसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है। इसीलिए गिटार लेकर के तू गाने बजाने जा रहा था, वो भी रोमांटिक। मैं उसकी बेटी के बर्थडे में जा रहा हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती। हिम्मत है तो जाके लेगा। क्या आंखें नीचे? सर, मैंने दीक्षा के पति की सीडीआर निकाली, उसका फोन 4 महीने से बंद है। अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि वो जो 25 से 30 साल के आदमी के बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो दीक्षा के पति कुणाल के होंगे, लेकिन कुणाल तो पिछले 4 महीने से गायब है। कुणाल के एड्रेस का पता चला? नहीं सर, कुणाल का नंबर उसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड था जहां वो दीक्षा के साथ रहा करता था। मेरा एक काम करो। जी सर। कानपुर पुलिस से कुणाल का फोटो शेयर करो, हो सकता है उनसे उसका नेटिव एड्रेस पता चल जाए, और कुणाल के सीडीआर में जो दूसरे नंबर है सबकी लिस्टिंग करो। ओके सर। और सर, मैं कह रहा था एक मिनट। हाँ सिंह, बोलो। सर, शिविर की और सफाई कर पाई, काफी बॉडी पार्ट्स मिले। व्हाट? सर, इतने बॉडी पार्ट्स मिले, लग रहा है कम से कम 4-5 लोगों के होंगे। व्हाट? हटिए। ये तो बहुत बड़ा कांड निकला। जाहिर सी बात है, इतने सारे मर्डर एक साथ तो हुए नहीं होंगे। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस सिवर में इतने ज्यादा बॉडी पार्ट्स। इस केस का पैमाना तो हमारी सोच से भी बड़ा निकला। सिंह, हमें इस केस में तेजी दिखानी होगी, नहीं तो मीडिया हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। इस सोसाइटी का एक एक फ्लैट चेक करो, एक एक आदमी से पूछताछ करो, एक्ट फास्ट। सर, ये दीक्षा रात से ही गायब है, घर पे भी ताला लगा हुआ है, मैंने चेक किया और उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर, मैं रात से उसका पीछा कर रहा था लेकिन वो मुझे चकमा देकर भाग गई। वो रात से गायब, और ये बात तुम मुझसे अब बता रहे हो? पता करो कहाँ जा सकती है वो। जी सर। अनिल, ताला तोड़ो। सर, उस बिल्डिंग के किसी भी फ्लैट में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, और ना ही दीक्षा के फ्लैट में। लेकिन दीक्षा अभी भी गए। आई थिंक फॉरेंसिक से कुछ मिस्टेक हुई है। दीक्षा का फ्लैट दोबारा से स्कैन करो, और मुक्ता कॉलोनी की क्या अपडेट है, जहां का ड्रेनेज जिस सिवर में आता है? सर, हमें अभी तक वहां से कोई लीड नहीं मिली। इतने सारे लोगों का मर्डर हो गया है और अभी तक हम ये तक अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि वो लोग कौन। अब तक जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है सबको अच्छे से स्कैन करो। और श्रीवंत के पेरेंट्स की डीएनए रिपोर्ट कब तक आ रही है? सर, उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। लेकिन सर, एक और अपडेट है, वो एक लड़का था ना चेतन, जो गुड़िया को छेड़ा करता था, वो एक मामूली यू टीजर नहीं है सर, बल्कि मुरैना थाने में उसके नाम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग? जी सर, वो मुरैना के यंग लड़के लड़कियों को फंसाता था, नौकरी का झांसा देकर शहर ले जाता था, और वो लोग आज तक लापता हैं। मतलब इस चेतन को अब तक हम हल्के में ले रहे थे? पॉसिबल है जो जो लोग गायब हुए हैं उन्हीं के बॉडी पार्ट्स हों। धीरज, उन सभी विक्टिम्स की फैमिली से मिलो और इस चेतन को ढूंढने में तेजी दिखाओ। एक्ट फास्ट। सर। जैन सर। सर, सर, आई नो मीडिया का बहुत प्रेशर है, पर ट्रस्ट मी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर, एक ओर जहां एक माँ अपने बच्चे के गायब होने के सदमे से उबर नहीं पा रही थी, पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई थी। लोगों के साथ साथ प्रशासन के भी सब्र का बांध टूट रहा था, और सवाल यही था, क्या इन दोनों केसेस में से कोई भी अपने अंजाम पे पहुंच पाएगा कि नहीं? हाँ सर, मैं मानती हूँ, मैंने सरविंद को एक जॉब ऑफर की थी। जॉब ऑफर की थी? क्या उसे कोई गलत काम करवाना चाहते थे? नहीं सर, मैं तो उसे अपने अंकल के यहाँ डोमेस्टिक हेल्प के लिए रखवा रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया। कह रहा था कि वो उस स्टॉल पे काम करके अपने पापा का कर्ज चुका रहा है। मुझे बहुत हमदर्दी होती थी सर उससे। हमदर्दी?
तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसको और उसकी बहन को लेकर कहाँ गया? मेरा बॉयफ्रेंड? सर इसमें इसका चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से ये जय लग रहा है। जय कहाँ इस वक्त? सर बहुत दिनों से मैं उसके टच में नहीं हूँ, पर हमारा ब्रेकअप हो गया है। क्यों? सर उसने मुझे चीट किया था, वो गे था और अब अचानक से कहीं गायब हो गया है। कहाँ गायब हो गया? सर वो मुझे मालूम नहीं, वो हरिनगर पीजी में रहता था पर वहाँ भी कई दिनों से गया नहीं है। देखो अगर कुछ सर दीक्षा की एक टिप मिली है, होटल रॉयल सेलिब्रेशन में छिपी हुई है वो। जी हाय, मैं इशिता हूँ, सोम की बॉस। एक्चुअली मैंने ऑफिस बॉय को यहाँ भेजा था सोम के बारे में बात करने के लिए कि वो इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है और उसका फोन बंद क्यों है। वो अपने गांव गया हुआ है। गांव? उसने मुझे बताया कि उसके गांव का घर तो काफी दिन पहले बिक चुका है और उसके सारे पैसे आप हड़प चुके हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सोम ने मुझे सब कुछ बता दिया है, वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार था। मैंने कहा ना वो गाँव गया हुआ है, आ जाएगा कुछ दिनों में। अब चलो निकलो यहाँ से। मैं कुछ दिन के लिए बाहर चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर उधर के सारे इल्जाम मेरे सर पर मढ़ देंगे। कोई सबूत है आपके पास? हमने तुम्हारी आंखों में क्रिमिनल उसी दिन देख लिया था जिस दिन तुमने हमें अपने घर के अंदर नहीं आने दिया था। तुमने सिर्फ अपने पति को मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए बल्कि और भी कई मर्डर किए। देखिए सर आप पहले तुम देखो, ये तुम्हारे सीडीआर में हमें ये 7 नंबर मिले हैं जो सबके सब बंद है और ये पिछले 6 महीने में एक एक करके बंद हुए हैं। किन किन नंबर हैं ये? किन किन को गायब किया तुमने? मैंने किसी को गायब नहीं किया है, ये मेरे हैंडलर का नंबर है, वो मुझे अलग अलग नंबर से कॉल करता है। हैंडलर? मैं एस्कोर्ट, और मैं ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानती हूँ जो कभी नहीं चाहेंगे उनका नाम इस केस में आए। इससे पहले कि आपको ऊपर से कॉल आए मुझे छोड़ने के लिए, आप खुद मुझे जाने दीजिए। और वैसे भी मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। श्योरत पक्का घुमा रही है हमें। लेकिन सर जय भी गायब है और हरिनगर के जिस पीजी में वो रहा करता था वहां उसका एग्रीमेंट भी नहीं मिला। वो रियल एस्टेट एजेंट भी गायब है जिसने उसको पीजी दिलवाया था। सर ना तो जय का नेटिव एड्रेस मिला ना कुणाल का। मतलब कुणाल, कुणाल के बाद जय और जय के बाद स्टेट एजेंट। ये गायब हुए तीनों लोग विक्टिम हैं या फिर क्रिमिनल? सर ऐसे तो टोटल 31 लोग मिसिंग है और सिर्फ बॉडी पार्ट से उनकी शिनाख्त नहीं हो सकती, और अगर सबका डीएनए लेने जाएंगे तो महीनों लग जाएंगे सर। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? बिना विक्टिम की प्रोफाइलिंग किए क्रिमिनल की प्रोफाइलिंग कैसे हो सकती? और मैंने मुक्ता कॉलोनी में पूछताछ करने के लिए कहा था जहाँ की ड्रेनेज भी आकर उससे फिर में गिरती। क्या अपडेट है उसकी? सर लेकिन वहां तो सैकड़ों मकान है, ये कैसे पता लगेगा कि क्राइम कहाँ हुआ है? डोर टू डोर जाओ, एक एक घर की तलाशी लो, जल्द से जल्द हमें इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है। दूसरी तरफ सरविंद और गुड़िया जैसे बच्चे विक्टिम है, मीडिया दबा के पीछे पड़ी, हमारे एसपी सर का प्रेशर है और तुम कह रहे हो सर सरविंद के पेरेंट्स का डीएनए सीवर में मिले एक बॉडी पार्ट से मैच कर गए। व्हाट? क्या? आसपास के जितने भी घर हैं सब में पूछताछ करो, ठीक है? जैन सर, सर मुक्ता कॉलोनी में की गई पूछताछ में इस घर का पता चला। कुणाल यहाँ आता रहता था लेकिन ये घर पिछले 4 महीने से बंद है सर। किसका घर है ये? सर इस घर में पिछले 1 साल में 3 टेनेंट बदल चुके हैं। लास्ट टेनेंट 2 महीने पहले आया था और 15 दिन पहले खाली करके जा चुका है। लेकिन कुणाल का फोन तो 4 महीने से बंद था। जी सर, लेकिन कुणाल जिस दौरान यहाँ आता था एक साउथ इंडियन लड़का श्रीनाथ नाम का यहाँ रहता था, उसका नंबर कुणाल के सीडीआर में मिला है सर। और ये भूषण जी, भूषण जी ये इस घर के ओनर है सर। सर इन्होंने घर किराए पे दिया था, रेंट एग्रीमेंट बनाया था। हाँ जी सर, ये रहा।
शेरनाथ कहाँ है? सर मालूम नहीं, 6 महीने पहले मैंने उसको मकान किराए पे दिया था, लेकिन वो 2 महीने के अंदर मकान खाली करके चले गया। उसके बाद मैंने दूसरे लड़के श्रीकांत को मकान किराए पे दिया, वो भी ज़्यादा दिन रुका नहीं और 15 दिन के अंदर ही मकान खाली करके चला गया। पुलिस वेरिफिकेशन की थी? नहीं सर। क्या इतने मर्डर हो रहा है और आप एक के बाद एक टेनेंट बदल रहे हैं, वो भी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के? गलती हो गई सर। गलती हो गई। घर को चेक करना है। आई सर। सर सर फोरेंसिक टीम बुलवाओ, घर और ये ड्रेनेज अच्छे से स्कैन करवाओ, और श्रीनाथ सहित जितने लोग भी यहाँ रेंट पर रहकर गए सबकी बैकग्राउंड निकालो। सर ये श्रीनाथ यहीं पास में मुक्ता कॉलोनी में रहता है, और हमें पता चला है कुणाल का इसके घर आना जाना था। सीधी सी बात है, तुम भी जानती होगी इसको। हाँ आना जाना था और मैं भी जानती हूँ, मैंने आपको पहले बताया नहीं पर कुणाल गे था और श्रीनाथ उसका सेक्स पार्टनर, ज्यादा मैं श्रीनाथ के बारे में कुछ नहीं जानती। सर श्रीनाथ के अलावा जितने भी पुराने ट्रेनर्स थे मैंने सबका पता किया, सबसे पूछताछ की, लेकिन श्रीनाथ ही ऐसा है जो गायब हुआ था। वो केरल के एक दुकर गांव का रहने वाला था जहाँ उसकी माँ भी रहती थी। काफी टाइम पहले उसकी माँ की डेथ हो गई थी और एक लंबे अरसे से वो अपने गांव में नहीं देखा गया। एक बात और रिकॉर्ड करने वाली, दीक्षा का कहना है कि कुणाल गया था और जय भी गया था। नीरज पता करो कि इन दोनों का श्रीनाथ के साथ कोई। ओके सर। सर श्रीनाथ के पुराने CDR में एक और मिसिंग विक्टिम का नंबर मिला है। सर ये सोम श्रीवास्तव, 1.5 साल पहले इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई। 1.5 साल पहले? तो क्या ये 1.5 साल से क्राइम करके श्रीनाथ चेक? लेकिन सर 1.5 साल पहले सोम की बॉस इशिता ने उसके गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, तब उसने सोम की बीवी और सास पे सोम को गायब करने का शक जताया था। ये सोम की बीवी और सोम की सास के साथ श्रीनाथ का कोई कनेक्शन? मैं किसी श्रीनाथ को नहीं जानती हूँ और ना ही मैंने सोम के साथ कुछ किया है। पता क्या है हमने तुम्हारे बारे में? सोम से पहले भी तुम्हारे कई पति रह चुके हैं जो सबके सब गायब हैं इस वक्त। देखो वक्त है अभी भी, बता दो क्या किया है तुमने, सच सच बता दो जो भी कुछ। मैंने कुछ नहीं किया है, सोम का अपनी बॉस इशिता के साथ चक्कर चल रहा था और उसी ने सोम को गायब किया था और हम पर इल्जाम डाल दिया था। देखो जो तुम भी हाँ नीरज बोलो। सर उस रियल एस्टेट एजेंट का पता लग गया है जिसने जय को हरिनगर में PG दिलवाया। उसका कहना है कि उसने जय के एक दोस्त को सरिता विहार में घर किराए पे दिलवाया था। किस दोस्त को? संभालो उसको। मैं सालों से अपने अरमानों में झुलसा हुआ रहा, बिल्कुल अकेला। पहले मुझे लगता था कि अगर एक जीवन साथी मिल जाए तो मेरा अकेलापन दूर हो जाए, इसीलिए 2.5 साल पहले मैं मेट्रोमिनल साइट पे मयंती से मिला, लेकिन उसे पति नहीं उसके इशारों पे नाचने वाला जोकर चाहिए था। मैं जोकर दिखता हूँ क्या आपको? अगर नपुंसक हुआ तो क्या हुआ, इंसान नहीं हुआ? पूरी इंसान मिसिंग हो गया, ये खुद का उतलिया बदल के ये औरत बन गया। और कितने गुनाह किए तूने इतने समय में? नहीं 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 गुनाह नहीं, पनाह, मैंने खुद को पनाह दी सबसे दूर अकेले होकर। फिर 1.5 साल पहले मुझे एक दोस्त मिला श्रीनाथ, अकेला था बिल्कुल मेरी तरह, कोई लड़की नहीं मिली उसे तो मैं लड़की बन गया उसके लिए, लेकिन वो भी कमीना निकला, कुछ ही दिनों में मुझे छोड़ के चला गया। श्रीनाथ तो 4 महीने पहले तक मुक्ता कॉलोनी में। वो दूसरा चैप्टर है सर। श्रीनाथ को भुलाने के लिए तो मैंने स्टीवन को ढूंढा। कौन स्टीवन? अकेला इंसान, लेकिन वो भी मुझे छोड़ के जाना चाहता था, इसीलिए चला के फेंक दिया। जला के या काट के? पहले मैं बेवफाई से जलता था, इसीलिए बेवफा लोगों को जला देता था, लेकिन अपना पुराना घर छोड़ के नए घर में आने के बाद जलाने का ऑप्शन नहीं था, इसीलिए अपने कलेजा काटने वालों को मैंने
टुकड़े टुकड़े करके बहाने लग। और कितने लोगों को काट काट के फेंका है तूने? पहले चैप्टर में 7 और 5 महीने पहले दूसरा चैप्टर चालू हुआ, जब मुझे श्रीनाथ मुक्ता कॉलोनी में दिखा, बड़ा मस्त था कुणाल के साथ, इसीलिए मैंने कुणाल को उससे छीन लिया, एक दिन अपने घर बनाया, फिर मैं श्रीनाथ पे अकेला हो गया और मैं फिर से उसका बन गया। सरविंद के साथ भी तूने? वो तो जय की वजह से मिला ना मुझे, जय भी मेरा था लेकिन उसे गे कहलाना पसंद नहीं था, सबके सामने मर्द बन के रहना चाहता था, इसलिए गर्लफ्रेंड पटा ली और मैं जेलस हो गया। फिर वो बच्चा दिखा, बड़ा प्यारा लगा और जय जय एक दिन खुद उसे मेरे पास ले आया। ये मेरे दोस्त है, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। बोला शरविंद की बहन उसे बाल मजदूरी करने से बचाना चाहती, अगर उसे वो वापस घर ले गई तो उसके पापा उसे वापस बाल मजदूरी पर लगा दें। मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसे अपने पास रख लूं, जिससे मैं जुड़ जाता हूं, उसे वापस जाने नहीं देता। सरविन कहाँ है? अब वो तो गया। गया? हाँ। लेकिन उसका कपड़ा तो यहीं पड़ा है। भूल गया शायद। सुनो मेरी। सरविन। ए रुक। जय को क्यों मारा? उसे शक हो गया था, मेरा हर दोस्त मुझे छोड़ के चला जाता है, तो मुझे भी तो कोई दोस्त चाहिए ना, जो मेरा अकेलापन दूर करे, मेरा दुख बांटे, मेरे साथ बात करे। तन्हा और अकेले इंसान के जज्बात अक्सर उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं और वो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो पाता कि मूव ऑन की पॉलिसी ही जिंदगी की सबसे सफल कुंजी है। लेकिन जब आंसू अंदर ही ठहर जाते हैं तो ये भी एक रुके हुए पानी की तरह सड़ने लगते हैं। फिर दुख भी दरिंदगी का रूप ले सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। लेकिन ये विक्टिम्स भी सोम की तरह अपने परिवार से नाउम्मीद होकर अपनी तन्हाई को बांटने वाला एक साथी ढूंढ रहे थे। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपने अपनों से इतने दूर भी ना हो जाए कि उनकी जिंदगी में कोई अपराधी जगह ले ले। इसी विचार के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।